नमस्कार, मैं सरिता जड़ौत स्वागत करती हूँ आपका आओ लिखें पर। आज की वीडियो में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 10 पंक्तियाँ लिखेंगे, तो आओ लिखें। जन्माष्टमी हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के कारावास में देवकी व वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में माता यशोदा और नंद बाबा ने बहुत ही लाड प्यार से किया। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, जो कंस रूपी बुराई का अंत करने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। इस दिन लोग मंदिरों को फूलों से सजाते हैं और श्री कृष्ण लीलाओं को झांकियों से प्रदर्शित करते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के भक्ति में भव्य उत्सव के लिए दही हांडी, रासलीला व अन्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। लोग श्री कृष्ण के लिए नए वस्त्र खरीद कर इस दिन उन्हें सजाते हैं और उन्हें पालना भी झुलाते हैं। जो लोग मंदिर नहीं जा पाते, वे लोग अपने घरों में ही श्री कृष्ण के जन्म को उल्लास के साथ भजन कीर्तन कर मनाते हैं। यह पर्व हमें धर्म के मार्ग पर अग्रसर होने की सीख देता है। हमें श्री कृष्ण के दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।